ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कंपनी ने Redmi Note 8 Pro का मास प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और ये कंफर्मेशन Xiaomi के वाइस प्रेसिडेंट लियू वीबिंग ने वीबो पर दिया और उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें हमें क्लियरली Redmi Note 8 Pro देखने को मिल जाता है। इस वीडियो में हम स्मार्टफोन के बैक को देख सकते हैं जिसमें क्वाड कैमरा सेटअप भी क्लियरली दिख रहा है। बात कर लेते हैं इसके सबसे ज्यादा हाइप्ड फीचर की, जो होगा इसका 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप। तो जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम क्लियरली इस स्मार्टफोन के बैक में देख सकते हैं क्वाड कैमरा सेटअप। और ये कैमरा सेटअप काफी यूनिक भी है, क्योंकि पहली बार हमें एक ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें तीन कैमरास वर्टिकल है और एक कैमरा मिडिल कैमरे के साइड में है। और इस स्मार्टफोन का प्राइमरी कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का आइसोसेल सेंसर, जो कि सैमसंग ने मैन्युफैक्चर किया है। इस वीडियो और वाइस प्रेसिडेंट लियू बिंग के ट्वीट से ये भी कंफर्म हो जाता है कि Redmi Note 8 Pro मास प्रोडक्शन में एंटर कर चुकी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन आने वाले कुछ हफ्तों में लॉन्च भी हो जाए। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, Xiaomi Redmi Note 8 सीरीज में हमें लेटेस्ट Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, जो कि एक गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है। एंड Xiaomi रिसेंटली ये कंफर्म भी कर चुकी है कि वो जल्द ही Helio G90T को अपने नेक्स्ट Redmi स्मार्टफोन में यूज करेगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है Redmi Note 8 Pro। अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या खास है इस Helio G90T चिपसेट में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक गेमिंग फोकस चिपसेट है MediaTek की तरफ से, और इसमें हमें हाइपर इंजन जैसी गेमिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जो कि एक कमाल का एक्सपीरियंस डिलीवर करती है जब हम ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स खेलते हैं, जैसे कि Asphalt 9 एंड PUBG। और Helio G90T कम्पीट करती है लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 730 प्रोसेसर के साथ, जो अगेन एक काफी कैपेबल प्रोसेसर है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा फीचर होने वाला है 64 मेगापिक्सल रियर कैमरा। Redmi Note 8 Pro में हमें 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा देखने को मिल सकता है। अब अगर Xiaomi के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, तो Redmi Note सीरीज Xiaomi का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज माना जाता है, और Xiaomi मोस्टली न्यू टेक्नोलॉजीज एंड फीचर्स अपने Redmi Note स्मार्टफोन के साथ लॉन्च करती है। जैसा कि हम Redmi Note 7 सीरीज में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो पहला ऐसा मिड रेंज स्मार्टफोन था जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिला। ठीक इसी तरह Redmi Note 8 Pro में भी हमें 64 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल सकता है। अगर बात करें इसके डिजाइन की, तो Redmi Note 8 Pro में हमें कोई मेजर रीडिजाइन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि Xiaomi यूजुअली अपने Redmi Note लाइनअप के डिजाइन को 2 ईयर साइकिल पर अपडेट करती है। तो हमें फ्रंट में एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा विद अ फुल व्यू डिस्प्ले, और इसके बेजल्स काफी मिनिमल होंगे। इसके अलावा इसमें हमें एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं इसके रिलीज डेट एंड प्राइसिंग की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि Xiaomi ने ऑलरेडी Redmi Note 8 Pro के बारे में बात करना शुरू कर दिया है, और आने वाले कुछ हफ्तों में हमें इसके ऑफिशियल टीजर्स भी देखने को मिल जाएंगे। Xiaomi नॉर्मली अपने Redmi Note सीरीज को 6 से 7 महीने में अपडेट करती है, और Redmi Note 7 सीरीज लॉन्च हुआ था जनवरी 2019 में, और इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। तो पूरे चांसेस है कि ये स्मार्टफोन अगस्त के एंड तक